रिम्स डॉक्टरों के लिए सीटीवीएस विभाग राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यहां 90 दिन से भर्ती मरीजों का ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूरे मामले पर देखिए रिपोर्ट। धूमिल हो रही रिम्स की सीटीवीएस विभाग की छवि, डॉक्टरों की आपसी राजनीति में पिस रहे सीटीवीएस के मरीज, 90 दिनों से हृदय के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीज, एचओडी ने अपने ही चिकित्सकों पर लगाए गंभीर आरोप। अगर आपको राजनीति के दावपेच सीखने हैं तो रिम्स के सुपर ब्लॉक के कार्डियोलॉजी विभाग से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि रिम्स का सीटीवीएस विभाग इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। डॉक्टरों की आपसी कलह का असर सीधे गंभीर रूप से बीमार हृदय रोग के मरीजों पर पड़ रहा है। 3 महीनों से मरीज ऑपरेशन के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं उनके और सभी पेशेंट का जो टाइम है वो काफी ज्यादा हो गया। 3 मंथ, 4 मंथ, कोई कोई 6 मंथ से भी एडमिट हैं। तो सर का ओटी एक दिन रहने के कारण यहाँ पे हो नहीं पा रहा, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसका डिमांड हम लोग लेकर गए थे सर के पास। है ना, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, वाल्व मेरा खर्च चेंज करवाना है। हम 2 महीना पहले भी आके रह के चल गए, उसमें भी नहीं हुआ मेरा, और अभर मेरा 3रा महीना होने वाला है। 3 महीना से और दर्द से भी मैं परेशान रहते हैं, और सर के पास तो बोले कि अभी एक दिन का ही टाइम है इनके पास, सोमवार का, तो इस सोमवार का ही दिन करते हैं, तो बाकी दिन नहीं होगा इनका तो फिर ऑपरेशन कैसे होगा। यह हजारीबाग के रहने वाले मरीज अब्दुल्ला मलिक है। अब्दुल्ला ने सीटीवीएस चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंशुल सर ने 40,000 रुपया लिया और बोला कि उसमें दवाई बीरो है और मेरा जो फीस है साइड से जो लेते हैं 20-25 हज़ार, वो आपका दवाई नहीं लेना पड़ेगा, जहाँ आपका ओपन सर्जरी करेंगे तो आपको जो दवाई मांगा था बेहोशी का ये सब का तो नहीं लेना पड़ेगा, वो हम समझ लेंगे। तो हम ये जानते थे कि बेहोशी का दवाई यहाँ मंगाना पड़ता था, जब सब दे रहा है तो हम भी दे दिए। अब सीटीवीएस के एचओडी से भी हमने जानना चाहा कि आखिर 90 दिनों तक भर्ती रहने के बाद भी मरीज के ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहे और मरीज डॉक्टरों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, जिसकी एक कंप्लेंट मैंने रिम्स के हायर ऑफिशियल्स को भी की थी और उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी हुई थी। मेरे को लगता है 4 या 5 अगस्त को एक इंक्वायरी हुई थी, जिसमें 3 सीनियर प्रोफेसर आगे इंक्वायरी की रिपोर्ट लेके आगे जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मरीजों से पैसा लिया जाता है इस नाम से कि ये वाला पैसा ऊपर तक जाएगा और सब लोगों में बांटा जाएगा, तो आप ऑपरेशन करवाने का पैसा दीजिए। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दी हुई मेडिसिंस को पैसा लगे बेचा जाता है। डॉक्टरों की सियासी उठापटक के बीच रिम्स की खूब बदनामी हो रही है। चिकित्सक अपने अपने फायदे के लिए मरीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मरीज भगवान भरोसे हैं। ये तो देखिए विभाग की बात है, लेकिन उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उनके विभाग अध्यक्ष से हमने कहा है कि जो भी सारे मरीज हैं किस वजह से डिले हो रहा है। जैसा कुछ खबर मिली है कि कुछ इम्प्लांट्स की दिक्कतें आ रही हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि शायद उसका सप्लाई भी पीछे से नहीं आ रहा है, ये यूक्रेन वार वगैरह की वजह से। अब संभवतः वो सब आ जाएंगे कुछ समय में, कुछ समय लग सकता है, लेकिन सारे के इलाज। रिम्स के सीटीवीएस विभाग ने पिछले कई दिनों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, मगर कहते हैं ना कि जहां राजनीति शुरू हो जाए वहां सब कुछ स्वाहा हो जाता है, और यही हो रहा है। मगर इन सब के बीच रिम्स के मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनने वाले बड़े हुजूर का कोई ध्यान नहीं है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से उमेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।